तो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है बलौदाबाजार से, जहां करुणा शुक्ला की कोरोना से निधन हो गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। करुणा शुक्ला कोरोना संक्रमण के कारण रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थी। सोमवार की देर रात 12:40 में उनका कोरोना से निधन हो गई है। करुणा शुक्ला की अंतिम संस्कार बलौदाबाजार में किया जाएगा। करुणा शुक्ला के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। करुणा शुक्ला वर्तमान में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष रही, इससे पहले लोकसभा सांसद भी थी और वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित तमाम बड़े पद पर थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं बलौदाबाजार से, जहां करुणा शुक्ला की कोरोना से निधन हो गई है। वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। करुणा शुक्ला पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की भतीजी थी। करुणा शुक्ला कोरोना संक्रमण के कारण रायपुर के रामकृष्ण अस्पताल में भर्ती थी। सोमवार की देर रात 12:40 में उनका कोरोना से निधन हो गई है। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की बलौदाबाजार से, जहां करुणा शुक्ला अब नहीं रही हमारे बीच। करुणा शुक्ला कोरोना से निधन हो गई है। करुणा शुक्ला के निधन पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गहरा दुख व्यक्त करते हुए उन्हें ट्वीट कर श्रद्धांजलि दी है। करुणा शुक्ला वर्तमान में समाज कल्याण बोर्ड की अध्यक्ष थी, इससे पहले लोकसभा सांसद भी थी और वे भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सहित तमाम बड़े पद पर थी। छत्तीसगढ़ समाचार के लिए बलौदाबाजार से ब्यूरो रिपोर्ट।